हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन याद रहे 21 को लास्ट डेट है जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बात हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है गर्भावस्था। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, ये जो गर्भावस्था है जिसे हम कंसेप्शन पीरियड के नाम से जानते हैं, ये तीन भागों में बांटा गया है। पहला है डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिम्बावस्था क्या है, पिंडावस्था क्या है और भ्रूणावस्था क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डिम्बावस्था की, जो कि फर्स्ट फेज है। किसका फर्स्ट फेज है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हम बात कर रहे हैं, जो कि एम्ब्रियो में ही अभी, ठीक है ना। यहाँ बताया गया है गर्भ धारण करने से 2 सप्ताह तक का समय, मतलब आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद जो 2 सप्ताह तक का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में हमें ये डिम्बावस्था पीरियड देखने को मिलता है। प्लस यह अंडे के समान होता है, ये जो ऑर्गन होता है ये अंडे के समान होगा, आगे बताया गया है। और माँ के रुधिर प्रवाह से अपना आहार प्राप्त करता है, मतलब कि अपना जो न्यूट्रिशन लेगा, ये जो अंडा है वो न्यूट्रिशन किससे लेगा? माँ के रुधिर प्रवाह से ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको मैंने बताया था जो कि प्लासेंटा लेयर होती है, जो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। आगे बताया गया है और नलिका में तैरता रहता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये लार्वा की तरह है तो वो नलिका में तैरता रहेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई फॉर्मेशन नहीं हुई है, अभी तक ये सिर्फ अंडे के रूप में है। तो डिम्बावस्था में क्या देखा कि ये गर्भ धारण करने से 2 सप्ताह तक का समय होता है और इस समय में ये अंडे के समान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो कि है पिंडावस्था। यह बताया गया है 3रे सप्ताह से 2 महीने तक इस समय गर्भपिंड मानव रूप धारण कर लेता है, मतलब कि इस समय में जो ऑर्गन बन रहा होता है, जो कि अंडे के फॉर्म में था पहले, तो वो क्या करता है, वो एक मानव रूप को धारण कर लेता है, मतलब कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अटेन कर लेता है। 6 सप्ताह के बाद हृदय धड़कन शुरू हो जाती है, और जब 6 सप्ताह हो जाते हैं इसकी फॉर्मेशन को, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें जो हृदय है उसकी धड़कन शुरू हो जाती है। सांस की नली, जिगर, फेफड़ा, बाल, त्वचा आदि का निर्माण हो जाता है। इस स्टेज में ये देखा जाता है कि जो अंडा होता है वो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आ जाता है। उसमें क्या होता है कि जो हृदय है वो धड़कना शुरू कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा हृदय है ये धड़कना कौन सी स्टेज में करता है, तो वो कौन सी स्टेज है, पिंडावस्था है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो बाल बनते हैं या जिगर या फेफड़ा, कोई भी जो चीज़ बनना शुरू होती है वो इसी स्टेज में बनती है, मतलब ये हुआ कि जब कोई अंडे से मानव रूप धारण करता है, एम्ब्रियो है, उसमें सारे के सारे जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट फेज की, जिसमें बताया गया है भ्रूणावस्था, जो कि 3 से 9 महीने तक का समय होता है। कोई नया अंग बनता हुआ नहीं दिखता है, इस फेज में कोई भी नया अंग नहीं बनता है, जो भी अंग बनने होते हैं वो पिंडावस्था में ही बन जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, जो पिंडावस्था में अंग बन चुके हैं उनका विकास यहाँ देखने को मिलता है, मतलब कि ये जो अवस्था है भ्रूणावस्था है, इसमें क्या होता है, जो भी अंग बन चुके हैं उन्हें अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है, मतलब जो ऑर्गन बन चुका है पिंडावस्था में उन्हें फंक्शन अटेन होगा कि उनका क्या काम है। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन से पहले 3 फेसेस थे, जिसे हम कंसेप्शन पीरियड के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमने 3 फेसेस देखे। पहला था डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। पहले फेस में क्या होता है कि वो अंडे के रूप में होता है, दूसरे फेस में क्या होता है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन में आ जाता है, लेकिन तीसरे फेस में जो कि भ्रूणावस्था है, इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गन्स बने होते हैं उनको फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ हमने गर्भावस्था कंप्लीट कर लिया, जो कि रिप्रोडक्शन से पहले का फेस है प्री रिप्रोडक्टिव का, कि कैसे कैसे एम्ब्रियो में जो ह्यूमन बेबी है वो उसकी ग्रोथ होती है प्लस उसकी डेवलपमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे अपने पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस के बारे में, जो कि जन्म के बाद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।